जिला मुख्यालय धर्मशाला स्थित एसपी कार्यालय में जिला स्तरीय क्राइम मीटिंग का आयोजन एसपी विमुक्त रंजन की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में ड्रग्स के मामलों से निपटने के लिए ड्रग कंट्रोलर और ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मिलकर चेकिंग करने का निर्णय लिया गया। वहीं पुलिस के रूटीन कार्यों की भी समीक्षा की गयी। जिला मुख्यालय धर्मशाला स्थित एसपी कार्यालय में जिला स्तरीय क्राइम मीटिंग का आयोजन एसपी विमुक्त रंजन की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में ड्रग्स के मामलों से निपटने के लिए ड्रग कंट्रोलर और ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मिलकर चेकिंग करने का निर्णय लिया गया। वहीं पुलिस के रूटीन कार्यों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान जिला में बढ़ती चोरियों की वारदातों से सख्ती से निपटने तथा रात्रि गश्त बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। बैठक में ड्रग इंस्पेक्टर को बुलाया था ताकि पुलिस का ड्रग पर जो फोकस है उसमें ड्रग कंट्रोलर और ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मिलकर केमिस्ट के प्रति और रूटीन में कैसे काम कर सकते हैं इस पर चर्चा की गई। चाइल्ड हेल्पलाइन वालों को भी बुलाया है जिससे बच्चों से संबंधित अपराधों पर चर्चा की जा सके। एसपी विमुक्त रंजन ने कहा कि मीटिंग में पुलिस के रूटीन कार्यों की समीक्षा की गई। शेड्यूल H1 में काफी ड्रग्स हैं, उनका मेन इश्यू यही है कि बिना डॉक्टर की संस्तुति के कोई भी केमिस्ट उन ड्रग्स को नहीं दे सकता। केमिस्ट को शेड्यूल H1 की ड्रग देने पर अपने बिल में डॉक्टर का नाम और मरीज की डिटेल देनी होती है। इसी संबंध में चर्चा की गई है कि सरप्राइज और रैंडम चेकिंग केमिस्ट शॉप की पुलिस द्वारा चेकिंग ड्रग कंट्रोलर और ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मिलकर की जाएगी। एसपी विमुक्त रंजन ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में चोरियों की घटनाओं में इजाफा हुआ है। सर्दियों के दिनों में चोरियों की घटनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन इसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ चोरों को पकड़ा भी है और ऐसे मामलों में रिकवरी भी शुरू की जा रही है। ऐसे मामलों पर पुलिस गंभीरता से कार्रवाई कर रही है और उम्मीद है कि जो ऐसे मामले आते हैं उन्हें पुलिस सुलझा लेगी। आज हमारी जो रूटीन में मंथली क्राइम मीटिंग होती है वो है, और इसके लिए हमने आज एक तो ड्रग इंस्पेक्टर को यहाँ बुलाया है ताकि जो ड्रग्स का हमारा जो मेन फोकस है उसमें ड्रग इंस्पेक्टर और जो ड्रग कंट्रोलर हैं इनके साथ मिलकर के हम केमिस्ट्स के साथ प्रति भी और रूटीन में ड्रग्स के प्रति भी और बेहतर तरीके से और तालमेल के साथ कैसे काम कर सकते हैं, तो उस बारे में हमने डिस्कशन किया है। इसके अतिरिक्त हमने चाइल्ड हेल्पलाइन वाले लोगों को बुलाया है क्योंकि बच्चों से संबंधित और पॉक्सो और इस तरह के अपराधों में भी धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, तो उनके साथ बेहतर तालमेल के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। इसके अतिरिक्त जो जनरल क्राइम है, जो पुलिस के रूटीन का हमारा अपना काम है, उसकी समीक्षा करेंगे। जो केसेज हैं अंडर इन्वेस्टिगेशन केसेज हैं उनकी क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन को सुनिश्चित करने के लिए और शीघ्र केसेस का निपटारा करने के लिए जो भी उचित दिशा निर्देश होंगे वो सभी अन्वेषण अधिकारियों को दिए जाएंगे। नहीं, शेड्यूल एच में काफ़ी सारे ड्रग्स हैं और उनका मेन इशू यही है कि वो बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी केमिस्ट जो है वो उन ड्रग्स को नहीं दे सकता है, और अपने बिल में उसको उस डॉक्टर का नाम और जो शेड्यूल H1 के ड्रग्स हैं उसमें पेशेंट की डिटेल्स और उसका मोबाइल नंबर और एड्रेस लिखना अनिवार्य होता है। तो आज यही हमारा डिस्कशन हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि सरप्राइज और रैंडम चेकिंग केमिस्ट की हम करेंगे ड्रग कंट्रोलर ड्रग इंस्पेक्टर्स के साथ मिलकर के, और ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी केमिस्ट जो हैं इन नियमों का पालन करें और किसी को भी अनाधिकृत रूप से इन ड्रग्स को ना बेचें। कार्यक्रम में भक्तों चलाए छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद रुक करेंगे कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की ओर।